एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसके कुछ एग्जांपल हम देखने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने डिटेल में पढ़ लिया है, आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जो टेंस की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं, विक्ट्री एजुकेशन चैनल पर जाकर। उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वॉट यू डैश एट प्रेजेंट क्वेश्चन मार्क आई डैश अ पोएम। हमको पता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होती है, इज, एम, आर, एंड जो मेन वर्ब होती है ये तो होती है हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब होती है उसमें क्या लग जाता है, आईएनजी। इतना हमको पता है, तो यहां पर क्या लगने वाला है, वॉट यू एट प्रेजेंट, वॉट यू, और यू है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर, एंड जो मेन वर्ब है रीड उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो क्या होगा, रीडिंग। इतना सभी को क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या है, क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस हमारा, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट। क्लियर है। अब ये इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों लगा, ये जानने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं, तो इस सेंटेंस में जो इंडिकेटिंग वर्ड है वो क्या है, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट अगर किसी सेंटेंस में आपको मिले तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल होता है, ठीक है। अब यहां लिखा है आई डैश एम पोएम, अब ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम रीडिंग अ पोएम, आई एम रीडिंग अ पोएम। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल, वी डैश लंच एट टू टुमारो एज राम डैश अ नून ट्रेन। अब इस सेंटेंस में क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वी के साथ क्या लग जाएगा, वी आर, एंड हैव में अगर हम आई एन जी लगाते हैं तो क्या बनेगा, वी आर हैविंग लंच एट टू टुमारो। अब इसमें इंडिकेटिंग वर्ड क्या है, टुमारो। अब जो टुमारो इंडिकेटिंग वर्ड होता है वो किसका होता है, फ्यूचर का, किसका होता है, फ्यूचर का, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस क्यों नहीं लगा, आप लगा सकते हो, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस का है तो हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूस लगाया है। तो आप बोलोगे कि मैम हमें पता कैसे चलेगा, तो एग्जाम में तो आपको चार क्या दिए हुए होंगे ऑप्शन, उनमें से आपको करेक्ट करना होता है, लेकिन इसका एक रूल क्या है कि अगर ऐसा कुछ इंडिकेटिंग वर्ड गिवन है तो वहां पर ये क्या इंडिकेट करता है, नियर फ्यूचर के प्लान को इंडिकेट करता है, और जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नियर फ्यूचर के अगर नियर फ्यूचर में फिक्स प्लान होता है तो उसे तो हम लिखते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल में, जैसे ऑफिशियल कोई प्लान होता है मोदी जी का आने का, या किसी भी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, किसी के भी आने का कोई अगर फिक्स्ड प्लान है तो वहाँ तो क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट, लेकिन हम या तुम है तो हमारा प्लान तो क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, तो चेंज हो सकता है, तो लेकिन है वो कैसा, नियर फ्यूचर, तो नियर फ्यूचर में अगर प्लान फिक्स ना हो के चेंज हो सकता है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो वी आर हैविंग लंच एट टू टुमारो एज राम, राम, राम है तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, इज कैचिंग, राम इज कैचिंग अ नून ट्रेन, और राम क्या करने वाला है, एक नून की ट्रेन पकड़ने वाला है, ये भी नियर फ्यूचर है, इसलिए राम ने क्या लगाया है, इज कैचिंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, सॉरी, मीना यूजुअली डज द कुकिंग, मीना यूजुअली डज द कुकिंग, यूजुअली किसका इंडिकेटिंग वर्ड होता है, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का होता है, तो क्या लगा है, मेन वर्ब की, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, डज क्या है हमारी, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, डज क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वी वन वी टू वी थ्री वी फोर एंड वी फाइव, तो वी फाइव क्या था, डज, एस या एस लगा है वहां पर, एंड
जो ये कौन सी वर्ब थी, सिंगुलर, एंड दिस इज प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो मीना के साथ क्या लगेगा, डज द कुकिंग, अगर यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तब क्या लगती, डू। मीना यूजुअली डज द कुकिंग, बट अब क्या गिवन है, आई इट टुडे एज शी इजंट हियर। आई के साथ क्या लगता है, एम, तो यहाँ पर लगेगा आई एम डूइंग, आई एम डूइंग इट टूडे एज शी इजंट हियर। अब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे लगा है, क्योंकि टुडे जो है इंडिकेटिंग वर्ब होता है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, क्लियर है। अगला देखो, मदर डैश बाथ नाउ एज शी ऑलवेज टेक्स बाथ एट नून। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो क्या लिखेंगे हम, मदर इज टेकिंग वॉट बाथ, तो बाथ क्या हुआ यहाँ पर हमारा, नाउन। बाथ में अगर अगर हम बात करें तो ये तो होता है नाउन, और अगर हम वर्ब की बात करें तो बी ए टी एच ई, बेद, बेद क्या होती है, वर्ब होती है। तो अगर बेद अगर सेंटेंस में यूज होगा तो वहां पर किसी भी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, लेकिन और कोई मेन वर्ब की वहां पर नीड नहीं होगी। लेकिन बात है हमारा क्या है, नाउन, इसलिए यहाँ पर हमने मेन वर्ब क्या ली है, टेकिंग। इंडिकेटिंग वर्ड देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे लगा है, क्योंकि नाउ इंडिकेटिंग वर्ड किसका होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। एज शी ऑलवेज, ऑलवेज कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, इसलिए शी के साथ क्या लगा है, टेक्स, व में एस आई एस बाथ एट नून। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं, शी स्टील, वर्ब कौन सी गिवन है, सिंग, शी है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। अब देखो क्वेश्चन मार्क है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन क्या होगी, मेन वर्ब। तो यहाँ पर इंडिकेटिंग वर्ड गिवन है इसलिए इंडिकेटिंग वर्ड बीच में आ जाएगा, तो कैसे होगा, शी इज स्टिल सिंगिंग। और जो स्टिल होता है वो इंडिकेटिंग वर्ड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज सिंगिंग, क्लियर है। शी डैश टू दिल्ली टुमारो। अब देखो पहले हमने देखा था टुमारो, तो टुमारो किसका होता है, फ्यूचर का, लेकिन नियर फ्यूचर के प्लान को दिखाने के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसलिए क्या लगेगा, शी है तो क्या लगेगा, इज, एंड इधर क्या लगेगा, शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्लियर है। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, शी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर भी जो होता है वो फ्यूचर का होता है, लेकिन इसमें भी वही हम लगाने वाले हैं, नियर फ्यूचर के प्लान को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर अगर आप विल, शैल, अगर फ्यूचर टेंस भी यूज करते हो तो वो भी एकदम सही होगा, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, तो क्या लगेगा, शी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, क्लियर है। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल। थैंक यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल देखने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब एंड कौन सा मेन वर्ब यूज होता है वो हम देखने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव। जो जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ हैज एंड प्लूरल के साथ हैव, एंड मेन वर्ब जो होता है उसका थर्ड फॉर्म बी थ्री, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इन दिस मूवी वी जस्ट डैश द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन दिस मूवी वी, अब वी है सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल, तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव, वी हैव जस्ट, देखो जस्ट क्या होता है, एडवर्ब, तो एडवर्ब है तो ये क्या होगा, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की। तो यहाँ पर जो भी हम वर्ब लिखेंगे क्या है, सी, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन, तो वर्ब से पहले एडवर्ब लगेगा, देट उससे पहले क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब।
वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। क्लियर है इतना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे पता चला सेंटेंस को देखकर कि जस्ट जो इंडिकेटिंग वर्ड होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, इसलिए हमने कौन सा टेंस यहाँ पर फिल किया है? प्रेजेंट परफेक्ट। सेकेंड हम देखते हैं, दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर रीड। अब देखो यहाँ पर दिस इज द बेस्ट बुक आई, ये भी क्या है? एडवर्ब है। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव एवर रीड। रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है? रीड। इसको बोलते कैसे हैं? रेड एंड रेड। होती सेम है, बस बोलने का डिफरेंस है। तो दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। इसका इंडिकेटिंग वर्ड क्या है? एवर। एवर जो इंडिकेटिंग वर्ड होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल किया है। हैव थर्ड लगाया है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, हाउ लॉन्ग यू डैश हिम। हाउ लॉन्ग यू डैश हिम, और यहाँ क्या है? नॉन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कैसा है सेंटेंस हमारा, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हाउ लॉन्ग, अब यू है, यू के लिए हैव लगेगा या हैज? हैव। हाउ लॉन्ग हैव यू, अब इसका थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का नॉन। नो का थर्ड फॉर्म होता है नॉन हिम। देखो क्या बनाया मैंने, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? यू है तो हैव, देन सब्जेक्ट यू, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा नॉन हिम। हाउ लॉन्ग क्या होता है? इंडिकेटिंग वर्ड, इंडिकेटर वर्ड होता है हाउ लॉन्ग, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसलिए हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स, द ड्राइवर्स। देखो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो क्या लगेगा? हैव, द ड्राइवर्स हैव। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या होती है? गो, वेंट एंड गॉन। तो यहाँ हम लगाएंगे द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन द स्ट्राइक लेटली। लेटली जो है वो इंडिकेटिंग वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विनय डैश द पंक्चर्स टायर ऑफ हिज कार येट। विनय, विनय है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। मेंड का थर्ड फॉर्म होता है मैंडेड, मैंडेड। विनय हैज मैंडेड द पंक्चर टायर ऑफ हिज कार येट। देखो जो येट इंडिकेटिंग वर्ड है वो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो मेरी वीडियो में जाके देख सकता है। येट इंडिकेटिंग वर्ड है, लेकिन जो येट होता है वो कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। तो विनय हैज क्या लग जाएगा यहाँ पर? नॉट। विनय हैज नॉट मैंडेट द पंक्चर टायर्ड ऑफ हिज कार येट, अभी तक नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है? नॉट। द पुलिस डैश द थीफ सो फार एंड द रेजिडेंस आर displeased। अब देखो यहाँ पर जो displeased है वो कैसा सेंस दे रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाने वाले हैं? नॉट। द पुलिस, तो पुलिस के लिए क्या लगेगा? हैव, द पुलिस हैव नॉट। अरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड। द पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड द थीफ एंड सो फार, सो फार जो होता है वो इंडिकेटिंग वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर है? आई शैल नॉट गो टू द मूवी एज आई ऑलरेडी। ऑलरेडी जो होता है वो इंडिकेटिंग वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब आई के साथ क्या लगाएंगे हम? हैव। ऑलरेडी क्या है? एडवर्ब। तो कैसे बनेगा? आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी। सी का तीनों फॉर्म होता है सी, saw एंड seen। तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी आई हैव ऑलरेडी सीन इट, क्योंकि मैं इसे पहले ही देख चुका हूँ। क्लियर है इतना? यू कैन गो, तुम जा सकते हो। रेन, रेन है तो रेन के लिए लगेगा हैज। स्टॉप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप्ड। रेन हैज स्टॉप्ड जस्ट नाउ। जस्ट नाउ क्या है? इंडिकेटिंग वर्ड, इसलिए क्या लगा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
क्लियर है? I dash him since yesterday. तो यहाँ पर देखो जो थर्ड ये फॉर्म दी हुई है वो क्या है, मीट। तो I के साथ लगाएंगे हम have, I have, sorry, ये मीट जो है, देखो मीट की तीनों फॉर्म क्या होती है, मीट, मैट, मैट। इसकी थर्ड फॉर्म होती है मैट। I have met him since yesterday. जो इंडिकेटिंग वर्ड है वो क्या है, देखो इंडिकेटिंग वर्ड वैसे है यस्टरडे, लेकिन यस्टरडे जो होता है वो पास्ट का होता है, लेकिन हमारे सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, सिंस। तो सिंस इंडिकेटिंग वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो यहाँ पर हम सिंस के, सिंस है इसलिए क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर इस पूरे सेंटेंस की हम बात करें तो इसका सेंस निकल रहा है आई हैव मैट हिम सिंस यस्टरडे, कि मैं उससे नहीं मिला हूँ कल से। तो नहीं मिलने के केस में यहाँ पर और क्या लगाएंगे हम, नॉट, आई हैव नॉट मैट हिम सिंस यस्टरडे। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस हाउस टू मी सिंस माई बर्थ। यहाँ भी देखो सिंस लगा है, सिंस और फोर जो होते हैं वो इंडिकेटिंग वर्ड होते हैं परफेक्ट टेंस के। अगर यहाँ पर सिंस नहीं लगा होता, देखो इस सेंटेंस में भी अगर सिंस नहीं लगा होता या इससे पहले वाले सेंटेंस में भी अगर सिंस नहीं लगा होता तो वो सिंपल पास्ट के क्या बन जाते, सेंटेंस। तब हम वहाँ पर क्या भरते, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दिस हाउस हैज बिलोंग्ड, ईडी लग जाएगा, बिलोंग टू मी सिंस माई बर्थ। क्लियर है इतना? आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस, इन तीनों के एग्जांपल हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।